वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। CATF AC 2020 एग्ज़ाम परसों है और आपको मोटिवेट करने के लिए मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वीडियो में पेपर 2 का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2020 का जो प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया था, मार्च में लॉन्च हुआ था ये, तो इसका मैं स्कोर एनालिसिस आपको मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँगी इस वीडियो में। स्क्रीन पर जो आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल जो है उन CATF एस्पिरेंट्स की है जो पेपर 2 के प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। इस टेबल में उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम है जिन्होंने एटलीस्ट 4 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 किया है 3 किया है। 3 टेस्ट पेपर तो जिसने किया है मोहित पवार, मैंने सिर्फ उसी का लिया है, और वैसे जिसने भी 3 टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है उसका मैंने नाम इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने श्वेता का भी नाम नहीं दिया है। श्वेता ने सबसे ज़्यादा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है, मेरे ख्याल से 7 टेस्ट पेपर श्वेता ने अटेम्प्ट किया है। मैंने उसका नाम नहीं दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलम सिर्फ 6 का बनाया है और उसने 7 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए, और वो बहुत हार्डवर्किंग है और आज नहीं तो कल डेफिनेटली वो एक्सेल करेगी, मगर मैंने उसका नाम नहीं दिया है यहाँ पर। अब एक और स्टूडेंट है जैसे करण प्रजापति है, उसका भी मैंने नाम नहीं दिया है। करण प्रजापति ने 2 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए थे। फर्स्ट टेस्ट पेपर में उसको 35 आया था और सेकेंड टेस्ट पेपर में उसको 70s में आया था। वो भी बहुत हार्डवर्किंग है। मैं सिर्फ मैंने सेलेक्टिव CAPF एस्पिरेंट्स का नाम इंक्लूड किया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें किसको सबसे ज़्यादा अच्छे स्कोर आए हैं। इसमें सुदीप व्रजा है जो मणिपुर का है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है ये। इसको हाईएस्ट मिले हैं 102 20 AC 10 में, और किसी को भी इतना ज़्यादा स्कोर नहीं मिला है। और जो सेकेंड हाईएस्ट आया है वो मोहित पवार को आया है, उसको भी 20 AC 10 में आया है 91। और थर्ड हाईएस्ट फिर से सुदीप रिजा को ही आया है 20 AC 09 में 90। धीरज पटेल है, ये मेरा पेनड्राइव स्टूडेंट है, इसको 81 आया है 20 AC 05 में। और अमित कुमार है, इसने भी एकदम कंसिस्टेंटली ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करता रहा और इसको 83 आए हैं 20 AC 02 में, 20 AC 08 में 81 आए हैं। अमित है हिमाचल प्रदेश का, इसको 82 आए हैं 20 AC 04 में। इसने लास्ट ईयर भी मेरे टेस्ट पेपर्स लिए थे। अभिषेक सिंह जो यूपी का है, इसको 83 आए हैं 20 AC 05 में। जैसे सुदीप व्रिजा है, इसने 3 घंटे में टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है। मोहित पवार है, इसने भी 3 घंटे में ही टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है। अभिषेक सिंह है, इसने भी 3 घंटे में टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है। धीरज ने स्प्लिट में टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है, कभी 1 घंटा लिख लिया नेक्स्ट डे इस तरह से, मगर धीरज ने ये जो धीरज को स्कोर आया है 69, ये इसने पूरा 3 घंटे में अटेम्प्ट किया है। अमित का मुझे पता नहीं है कि इसने कैसे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है। अमित कुमार है, इसने सारे टेस्ट पेपर्स 3 घंटे में अटेम्प्ट किए हैं। वैसे ही अभिषेक है, इसने सारे टेस्ट पेपर्स 3 घंटे में अटेम्प्ट किए हैं। मोहित है, इसने सारे टेस्ट पेपर्स 3 घंटे में अटेम्प्ट किए हैं। और सुदीप ने भी सारे टेस्ट पेपर्स 3 घंटे में अटेम्प्ट। मेरे पर्सनली मैं फील करती हूँ कि यदि आपको वाकई में इन टेस्ट पेपर्स से सीखना है कि कैसे लिखा जाता है, तब आपको फर्स्ट 4 टेस्ट पेपर्स जो है वो गूगल से एक्सप्लोर करके, अच्छे से कंटेंट को सिलेक्ट करके, और फिर टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए। कहने का मतलब, एक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप आराम से 3-4 दिन का वक्त ले सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है कि जो शुरुआत कर रहा है प्रिपरेशन से, उनको इसी तरह से टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए कि फर्स्ट 4 टेस्ट पेपर्स आप अच्छे से गूगल में एक्सप्लोर करिए इसका कंटेंट, और फिर लिखिए। और नेक्स्ट जो 3 टेस्ट पेपर्स है वो आप 4 घंटे में अटेम्प्ट करिए, मगर गूगल में बिल्कुल एक्सप्लोर मत करिए। और फिर नेक्स्ट जो लास्ट 3 टेस्ट पेपर्स होंगे उसको आप बकायदा 3 घंटे में अटेम्प्ट करिए। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने का, और इस तरीके से आप लोग सीखोगे कि कैसे टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले सुदीप का टेस्ट पेपर आपको दिखा देती हूँ। ये सुदीप का फोल्डर है, इसने सबसे पहले 20 AC 07 अटेम्प्ट किया था। 20 AC 07 में सुदीप को 69 आया था, और मैंने इसको फीडबैक में लिखा था, यू डिजर्व 90+, यू कैन कॉल मी फॉर टेलीफोनिक फीडबैक।
इसकी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि रेपिटेशन बहुत हो रहा था, और अगर आप देख रहे हो तो डेविएशन बहुत हो रहा था। डेविएशन का मतलब ये है कि जो ऐसे क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड अगर आप कंटेंट लिखते हो तब तो सही है, मगर उसके बियॉन्ड अगर आप कुछ कंटेंट देते हो तो वो डेविएशन होता है। अ प्रोलॉन्ग पेंडेमिक ऑल्टर्स द वर्ल्ड ऑर्डर, यानी आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करनी है, यानी कैसे किस तरह से जो पावर है वो शिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ पर इसमें लिखा है द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज डिवेलप सेवरल मैकेनिज्म टू टैकल पेंडेमिक एज सून एज इट अकर्स। क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंश्योर्स मिनिमल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो आप तो वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे इबोला के बारे में बात कर रहे हो, कहाँ है वर्ल्ड ऑर्डर, ये पूरा डेविएशन है। तो इस तरह से इसने कहीं कहीं डेविएशन है, कहीं रेपिटेशन है, और इसने पॉइंट वाइज दिया है, देख रहे हो सोशल ऑल्टरेशन। तो कभी भी पॉइंट वाइज नहीं लिखना चाहिए ऐसे, इससे ऐसे की ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो मैंने यही फीडबैक दिया है, नेवर राइट पॉइंट वाइज और सब हेडिंग वाइज, योर कंटेंट मिस द पल्स ऑफ द ऐसे क्वेश्चन। कहीं कहीं तो अच्छा लिखा है इसने, जैसे ये वाला इसने पॉइंट दिया है तो मैंने लिखा है ये इंट्रोडक्शन के लिए सही है, फिर से इसने पॉइंट वाइज लिखा है। अब मैं इसका सारे टेस्ट पेपर्स तो नहीं दिखाऊंगी। अब जैसे इसने ये जो कंक्लूजन दिया है तो मैंने लिखा है डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ऐसे क्वेश्चन, कंक्लूजन हमेशा वेल कनेक्टेड होना चाहिए, और इसमें कंटेंट है मगर डिसऑर्गेनाइज्ड है। कहीं भी कुछ भी नहीं डाल सकते हो, आपको देखना है कि ये कंटेंट किसके लिए, कौन से पैराग्राफ के लिए फिट बैठता है। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए सही है जो इसने लिखा है यहाँ पर। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है बायोलॉजिकल वेपन्स आर इमर्जिंग एज अ क्रूशियल फ्यूचर थ्रेट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब इसने लिखा है ऑफ द मल्टीपल थ्रेट्स फेसिंग द वर्ल्ड टूडे सच एज न्यूक्लियर आर्मामेंट, टेररिज्म, सेटेलाइट वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वेपन्स कैन बी कंसिडर्ड। तो ये वाला जो है ये तो इंट्रोडक्शन के लिए सही रहेगा ना। फिर से इसने पॉइंट वाइज लिखा है जो कि सही है कंटेंट के हिसाब से, मगर पॉइंट वाइज नहीं लिखना चाहिए। फिर ये इसका एक और ऐसे क्वेश्चन है जो पॉइंट वाइज लिखा है, उसके उसकी वजह से ये सही नहीं है, अदरवाइज इसने कंटेंट अच्छा दिया है। वर्ल्ड कंटेक्स्ट कंटेंट मिसिंग मैंने लिखा है, क्योंकि देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल अंटिल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज इंक्रीज, तो इसमें वर्ल्ड कंटेक्स्ट का भी आपको एक दो पॉइंट दे देना चाहिए था। अब ये आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, अब आर्गुमेंट का क्वेश्चन जो है वो ग्लोबलाइजेशन एरा पे है। अब यहाँ पर ह्यूमन एडवांसमेंट की तो आप बात नहीं करेंगे ना फिर, तो फिर मैंने इसलिए लिखा है क्वेश्चन इज ऑन ग्लोबलाइजेशन नॉट ह्यूमन एडवांसमेंट। अब यहाँ पर WHO की बात कर रहे हैं भाई ग्लोबलाइजेशन में, आप WTO की बात करिए ना। और कंक्लूजन इसका आप देखिए कितना जनरल कंक्लूजन है, करेक्ट एटीट्यूड अलॉन्ग विद द कंबाइंड एफर्ट विल एंश्योर दैट द पेंडेमिक अलाउज अस टू प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन। जबकि क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगा क्या पेंडेमिक की वजह से, ये क्वेश्चन है, मगर इसका कंक्लूजन आप देखिए पेंडेमिक पर है। तो इसीलिए मैंने लिखा है क्वेश्चन इज ऑन ग्लोबलाइजेशन मीट इंडस्ट्री शुड बी बैन। इसका तो खैर इसने अच्छा लिखा है, इसको मार्क्स भी मिले होंगे शायद। जब भी मीट ईटिंग की बात आती है आप लोग काउ स्लॉटरिंग के बारे में बात करने लगते हो। मीट तो आप कोई भी एनिमल का चलेगा ना, इसको 8 मिले हैं। ये है इसका रिपोर्ट, 20 AC 08 सुदीप ने अटेम्प्ट किया था, इसमें इसको 74 आए थे। मैंने कुछ खास फीडबैक नहीं दिया है, बस गुड लिख दिया है। और आप देखिए ये पहले से इसने अच्छा किया है, मार्क्स इसको अच्छे आए हैं, आर्गुमेंट में इसको कम आए हैं। वैसे 20 AC 09 इसने फिर अटेम्प्ट किया, एसे में इस बार 34 आए हैं। अगर हम आप पहले देखेंगे तो उसको एसे में 18 आया जब फर्स्ट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया। जो 20 AC 08 इसने अटेम्प्ट किया उसमें एसे में इसको 29 आए हैं, 20 AC 09 में एसे में 34 आए हैं, और उसके बाद 20 AC 10 में इसको एसे में 36 आए। तो आप देख रहे हैं ये 20 AC 10 है, इसको 102 आया है। अब देखिए मैंने कुछ खास इसमें, अब एक्सेलेंट वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, कहीं कहीं मैंने कुछ कुछ इसको फीडबैक दिया है, वरना आप देखिए हर जगह मैंने टिक ही लगाया है। कहीं पे मुझे कुछ कुछ लिखना पड़ा है, जैसे मैंने लिखा है कंक्लूजन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखो, टेक इन पॉजिटिव फ्रेम। जैसे आर्टिकल 370 है इसको आप पॉजिटिव फ्रेम में ही लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कंक्लूजन में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कंक्लूजन में प्रॉब्लम है मगर कंटेंट रिच है।
अब देखिए सब जगह मैंने टिक टिक दिया, और फिर मैंने इस तरह से अंडरलाइन इसलिए किया है, कहीं कहीं आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप अंडरलाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ऐसा ना हो कि फिर पूरा ही आंसर्स को ही अंडरलाइन कर दो, ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं, उनको लगता है भाई जो लिखा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो अंडरलाइन कर दो सब कुछ। इतना वक्त नहीं है कि मैं सबके टेस्ट पेपर्स आपको मैं शो कर सकूं, मगर मैंने सुदीप का शो कर दिया है क्योंकि इसने क्योंकि इसको अच्छे स्कोर आए हैं। अब जैसे जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं, ये एक एग्जाम्पल आपके सामने सेट कर रहे हैं, अपने परसिवरेंस का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे कम आ रहे हैं फिर भी मैं टेस्ट पेपर देता रहूँगा, अटेम्प्ट करता रहूँगा। जैसे अभिषेक है, जम्मू कश्मीर का है, अब आप देखो इसका स्कोर 15। डीमोटिवेट हुआ था मगर उसने नेक्स्ट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए, उसको 26 आया, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए 42 आया, फिर उसके बाद वापस उसको 34 आ गया, स्कोर कम हो गए। ये स्कोर इसलिए इसके कम हुए क्योंकि मैंने जितने भी फीडबैक उसको दिए थे वो सारे फीडबैक को नज़रअंदाज करके इसने ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया था। जबकि जो फीडबैक आपको दिया जाता है, आपके आंसर्स में जो कमियां बताई जाती है, उस कमियों को ध्यान में रखो और हर टेस्ट पेपर में उन कमियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करो, कम करने की कोशिश करो। तो अभिषेक को कम इसीलिए आया है, मगर इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है एक परसिवरेंस का। परसिवरेंस का मतलब होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हम उसको परसिवरेंस कहते हैं, और एक कंसिस्टेंट हार्डवर्क का भी इसने एग्जाम्पल सेट किया है कि हाँ कम आ रहे हैं फिर भी मैं दूंगा, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करूंगा। जबकि मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स को कि उनको कम आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, फिर भी मगर वो टेस्ट पेपर नहीं देते हैं, हार जाते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, वो फिर टेस्ट पेपर देते नहीं है फिर। और अभिषेक का नेवर फेडिंग स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, इसके पास ऐसा स्ट्रेंथ है जो फेड नहीं करेगा। और ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेल ज़रूर करते हैं, आज करें कल करें किसी भी फील्ड में करें, मगर एक्सेल ज़रूर करते हैं। अभिषेक है, आकाश है, ऐसे स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जैसे अमित है 42, 44, 71, 78, 82। अंजलि है, ये भी जम्मू कश्मीर की है, 34, 53, 48, 61। अंकिता 41, ये हिंदी मीडियम की अंकिता 41, 46, 53, 43, 60। तो आप देख रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स परसिवरेंस का, कंसिस्टेंट हार्डवर्क का, नेवर फेडिंग स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप सभी के सामने। धीरज 81, 52, 66, 69। गोविंद का आप देखिए कितने कम आए, 29 से इसने शुरू किए थे और अब इसको 56 आ रहे हैं। महेश का, इसका तो मैंने अपलोड भी किया हुआ है, पूरा स्कोर का एनालिसिस दिया है, अब आप देखिए इसके मार्क्स। जब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, मगर इसके लिए आपको परसिवरेंस रखना होगा, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना होगा, और साथ में एक नेवर फेडिंग स्ट्रेंथ, जो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, उसको रेस्टोर करके रखना होगा अपने अंदर कि हाँ कम आ रहे हैं फिर भी मुझे अपनी गलतियों का तो एहसास हो रहा है ना। स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, जो एक इनर स्ट्रेंथ होती है वो इनर स्ट्रेंथ आपको बताती है कि हाँ मुझे क्रिटिसिज्म मिल रहा है। मनीष का आप देखिए, ये उत्तराखंड का है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास बहुत स्ट्रेंथ होती है, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ होती है। अपने आंसर्स में जब मैं इनके आंसर्स में कमियां बताती हूँ तो उनको सुनने की स्ट्रेंथ होती है, उन कमियों को न्यूट्रलाइज करने की स्ट्रेंथ होती है। तो ऐसी स्ट्रेंथ को कभी फेड आउट मत होने दो, ये स्ट्रेंथ आपके बहुत काम आएगी और फेलियर में आपको एक होप भी देगी, हाँ अभी फेलियर मिला है मुझे आगे सक्सेस जरूर मिलेगा। मोहित तो खैर शुरुआत ही इसने अच्छे से की थी। प्रशांत का आप देखिए, 34 से शुरू किया, फिर 74 आया, फिर 60 आया, फिर 43 आया। 43 इसको इसलिए आया क्योंकि उसका कंटेंट सही नहीं था, इसको लिखना आ गया है प्रशांत को, ये फैक्ट है, मगर कंटेंट नहीं होगा तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। और राइटिंग बहुत ही एकदम खराब थी इसके लास्ट टेस्ट पेपर की। तो स्टूडेंट
तो स्टूडेंट्स पेपर टू डिफिकल्ट नहीं होता है, पेपर वन डिफिकल्ट होता है। पेपर टू सिर्फ इसलिए इसको डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है, मगर आप इस डिफिकल्ट सिचुएशन में परसिवियर करोगे, पूरा कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करोगे और अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखोगे तो आप ज़रूर एक्सेल करोगे। आपके लिए पेपर टू प्रॉब्लमेटिक कभी नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।